करने वाले गृहस्थों को बारंबार तकलीफ होती रहती है। मयूर मौन हो गए, जैसे जोगी संसार की असारता को समझकर चुप हो जाता है। ना बादलों ने अपना जल छोड़ दिया, जैसे विज्ञानी लोग घर द्वार छोड़ देते हैं। सरोवर सूखने लग गए, जैसे जिसके मन में बहुतों के साथ ममता हो उसके हृदय को बहुत तकलीफ होती है। शरद ऋतु में आने से कुंवियां खिल गईं, जैसे ज्ञान होने से मन खिल जाता है। चंद्रमा की शोभा आकाश में बढ़ गई, जैसे आखिरी जन्म वाला जोगी जब सत्संग में जाता है तब उसको बड़ा आनंद आता है। धीरे धीरे जलाशय अपने को छोड़कर चले गए, जैसे समझदार आदमी छोटे क्षेत्र की परिवार की ममता को छोड़कर सुखी होता जाता है। इसमें एक बात ध्यान देने लायक है, समझाना चाहते हैं, वर्णन कर रहे हैं शरद ऋतु का और दृष्टांत दे रहे हैं हृदय के भाव का। इसका अर्थ है कि हृदय के भाव तो सबको मालूम ही होते हैं कि कैसे कैसे होता है। वर्ण्य वस्तु कठिन होती है तो उसको समझाने के लिए सरल दृष्टांत दिए जाते हैं। अब आजकल देखो क्या करते हैं कि वर्णन करना हो हृदय का तो बाहर की वस्तुओं का दृष्टांत देते हैं, क्योंकि बाहर की वस्तुएं समझी हुई हैं, भीतर की तो है नहीं। और पहले बाहर की वस्तु समझाने के लिए भीतर की वस्तु का दृष्टांत देते थे, क्योंकि लोग बाहरी वस्तुओं को कम समझते थे और भीतरी वस्तुओं को ज्यादा समझते थे। ये लोगों को मालूम कहाँ है कि घड़ा मालूम करने में और अपने मन में जो गुस्सा है उसको मालूम करने में, बाहर घड़ा रखा है कि नहीं, घड़ी है कि नहीं, मेज है कि नहीं, कुर्सी है कि नहीं, मेज कुर्सी घड़ी मालूम करने में क्या फर्क पड़ता है और अपने मन में गुस्सा है कि कामना है कि लोभ है कि मोह है, ये मालूम करने में क्या फर्क पड़ता है। तो ये बात तो भाई बिना विवेक के मालूम नहीं पड़ सकती। तो इस तरह पहले समझाने की जो रिवाज थी वो बाहर को समझाने के लिए भीतर जो रोज रोज समझी हुई देखी हुई जो बातें हैं उनको दृष्टांत में ले आते थे। तो इस प्रकार शरद ऋतु आई,
भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अब आकाश में इंद्रधनुष उगने लग गया, बादल स्वच्छ हो गए और ब्रजवासी लोग जो हैं वो इंद्र का यज्ञ करने के लिए, इंद्र की पूजा करने के लिए बड़े व्याकुल हो रहे हैं, उत्सुक हो रहे हैं। सो नारायण उन्होंने नंद बाबा से जाकर के पूछा कि ये कौन सा उत्सव अपने घर में होने जा रहा है। नंद बाबा ने समझाया कि हमारे परंपरा से इंद्र की पूजा होती आई है, उनकी पूजा करने से वर्षा होती है, देखो इससे वर्षा होने से फिर घास पैदा होती है, गौएं चरती हैं, अन्न पैदा होता है, पेड़ पौधे ठीक रहते हैं, सो इसलिए हम लोग वर्षा ऋतु में उनके जल से फायदा उठाते हैं और शरद आते ही उनकी पूजा करते हैं। सो नारायण श्री कृष्ण भगवान को ये बात पसंद नहीं आई। अरे पुरानी पीढ़ी में कोई गलती होती है तो नई पीढ़ी वाले उसको सुधार देते हैं, ऐसा नहीं अपनी दाढ़ी दिखा करके नई पीढ़ी वालों को दबाना नहीं चाहिए कि हम बुढ़े हैं, है ना। देवी अगर कोई अच्छी बात कहें तो उसका आदर करना चाहिए, परंपरा के साथ नवीनता को भी स्वीकार करना चाहिए। हर बात पुरानी होने से ही अच्छी नहीं होती है और कहीं कभी नई बात बहुत अच्छी होती है और कोई नई बात होने से ही अच्छी नहीं होती है, पुरानी बात भी कभी अच्छी होती है। तो दोनों का विवेक करके तब मनुष्य को स्वीकार करना चाहिए। अब तो महाराज श्री कृष्ण ने कहा क्यों जी हमारे खेती है नहीं, वाणिज्य है नहीं, गौएं हमारी देवता हैं, हम तो वनचारी हैं। नारायण हम तो बड़ी बड़ी विद्याओं के जानकार नहीं हैं। एक तो विद्या के अध्ययन से जीविका चलाई जाती है, एक रक्षा की जाती है, एक खेती और व्यापार होती हैं। ये हमारी जो वृत्ति है वो पशुपालन की वृत्ति है। सो पशुपालन की वृत्ति छोटी नहीं है, ये गायों की रक्षा करना जैसे विद्या का अध्ययन करना है, जैसे राष्ट्र की रक्षा करना है, जैसे व्यापार करना है, वैसे ही पशुओं की रक्षा भी है। तद्वच्च तृतीयम पशुपालनम नारायण, और विद्या वृत्ति त्रयाश्रया, ये वृत्ति विद्या के ही तीन भेद हैं। सो जो किसान हैं उनकी जीविका खेती है और जो व्यापारी हैं उनकी जीविका व्यापार है और हमारी जीविका तो केवल पशुओं का गायों का पालन है। जिसके लिए जो विद्या है वही इसका ईश्वर है। मनुष्य को अपनी अपनी जो विद्या है उसकी रक्षा और उसका संवर्धन करना चाहिए, इसी से उसका उपकार होता है। जो अपनी विद्या का ठीक ठीक निर्वाह नहीं कर सकता वो दूसरे की विद्या में घुसकर उसका भी निर्वाह नहीं सकता नारायण, और उसको शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती। जिसका अनुभव है पीढ़ी दर पीढ़ी से परंपरा से, उसको छोड़ करके और नई वृत्ति स्वीकार करने पर बहुत कठिन रहता है। देखो जहाँ तक खेती होती है वहाँ तक खेत की सीमा है और उस सीमा के बाद वन होता है और वन के बाद पहाड़ होते हैं और हम लोग पहाड़ी हैं, हम जंगली हैं। हम लोगों के श्री कृष्ण ने कहा हम लोगों के घर में दरवाजे नहीं लगाए जाते, हम मकान नहीं बनाते हैं, हमारे खेत नहीं है, हम तो एक सन्यासी महात्मा की तरह जहाँ जहाँ पशुओं को सुख मिलता है वहाँ वहाँ जाकर रहते हैं और वहाँ सुख लेते हैं। हमने सुना है कि यहाँ के पहाड़ बड़े प्रभावशाली हैं और ये रूपधारी भी होते हैं और नारायण ये वनवासी लोग जब इनका आदर नहीं करते हैं तो अनेक रूप धारण करके ये दुख भी पहुंचाते हैं, इसलिए पिताजी हम इंद्र यज्ञ नहीं करेंगे, हमको चाहिए कि गिरि यज्ञ करें, गो यज्ञ करें,
हमको ब्रज के देवता को छोड़कर स्वर्ग के देवता की पूजा करने की क्या जरूरत है। हम लोग मिट्टी की पूजा करेंगे, हम लोग कल्पना की पूजा नहीं करेंगे। ब्राह्मण लोग मंत्र की पूजा करते हैं और किसान लोग हल की पूजा करते हैं और हम लोग पहाड़ में रहने वाले, वन में रहने वाले, वयमत्री वन आश्रया, हम लोग पहाड़ में और वन में रहने वाले हैं, हमको तो पहाड़ का यज्ञ करना चाहिए, हमको तो गाय का यज्ञ करना चाहिए, इसलिए गोवर्धन की पूजा होनी चाहिए, इसी की, नारायण इसी की पूजा हम लोगों को करना चाहिए। सारे दूध इकट्ठे करो और उसके कोई सोच विचार मत करो और उससे ब्राह्मणों को, विद्वानों को, जो धर्म की संस्कृति की रक्षा करने वाले हैं उनको खिलाओ और जो चाहने वाले गरीब हैं उनको भी खिलाओ इस तरह से, और गायों का श्रृंगार करो, उनको खिलाओ पिलाओ, उनका यज्ञ करो, उनकी पूजा करो, ये मेरी राय है पिताजी। अब आपको जिस देवता की मर्जी हो उसकी पूजा करो। नाबू महाराज, समय का ऐसा परिवर्तन कि नंद बाबा और सारा गांव, सारे ग्वाल उन्होंने कहा कृष्ण ने जो कहा है सो ही ठीक है, हम लोग तो इस पर्वत की ही पूजा करेंगे। और दधि पायस आदि के द्वारा ब्राह्मणों को खिलावेंगे और गाय पर्वत की पूजा करेंगे और प्रदक्षिणा करेंगे। अब महाराज पूजा तो शुरू हो गई गिरी के शिखर पर और श्री कृष्ण ने भी अपने को बिल्कुल पर्वत बना दिया, एक रूप से तो पूजा लें। अब वहाँ पूरी, मालपुआ, खीर और तरह हलवा, तरह तरह की पूजा की सामग्री इकट्ठी हो गई, एक रूप में श्री कृष्ण पूजा लेने लगे। सब लोगों के मन में श्री कृष्ण को खिलाने की जो वासना होती थी कि हम खिलावें, हम खिलावें, हम खिलावें, उसलिए भगवान ने कब वो विराट रूप जो है वो प्रकट कर दिया नारायण, और एक रूप से ग्वालों के साथ रह करके उनकी पूजा करने लगे। ये वेदांत का सिद्धांत है कि जो पूजा करने वाला है वही पूज्य है, पूज्य और पूजक में भेद नहीं होता। सो महाराज स्वयं पूजा करें और स्वयं पूजा लें। जब गिरिराज पूजा ले करके अंतर्धान हो गए तो सब के सब जो हैं वो अपने घर लौट आए। अब इंद्र को मालूम पड़ा कि हमारी पूजा तो मिट गई, तो जिसको कायदे से कुछ दान करने लगो ना, भेंट पूजा देने लगो, तो वो अपना दावा मान बैठता है कि ये तो हमको मिलना ही चाहिए, इस पर हमारा हक हो गया। तो नारायण इंद्र को भी ये हुआ कि ये तो हमारे हक की पूजा थी, इन लोगों का कर्तव्य था कि हमारी पूजा करते, क्यों नहीं करी। सो प्रलय काल के बादलों को ब्रज पर भेज दिया और उन्होंने महाराज बादलों को स्पष्ट आज्ञा किया कि ये गौओं के द्वारा, गायों के द्वारा अपनी जीविका चलाते हैं, तो इनकी गायों को नष्ट कर दो। आजीवो जा परस्ते शाम गावस्तस्य च कारणम ता गावो वृष्टि बातेनो पीडयन्ताम पीडियंताम वचनान मम। मैं आज्ञा देता हूँ कि गायों को तकलीफ पहुँचाओ नारायण, और मैं भी तुम लोगों की सहायता करूँगा। सुहा करके महाराज उन्होंने ऐसी वर्षा की प्रलय काल के मेघों ने कि सारा ब्रज जो है वो डूब गया, बिजली चमकने लग गई, दुनिया में अंधेरा छा गया, किधर पूरब है किधर पश्चिम है लोगों को मालूम न पड़े, गौएं जो हैं वो वर्षा और आंधी से बहुत पीड़ित हुई और अपने सिर को उन्होंने अपनी धड़ से छिपाया, अपने बछड़ों को अपने नीचे ले लिया, त्राहि त्राहि मच गई सारे ब्रज में और सब लोग श्री कृष्ण की शरण में गए नारायण।
सो श्री यहाँ ऐसा है कि सब लोग तो श्री कृष्ण की शरण में नहीं गए, श्री कृष्ण भगवान को ही उनकी ये विपत्ति देख करके बड़ी दया आई। वो स्वयं चिंतन करने लगे कि इनका कल्याण कैसे करेंगे, और बोले ये इंद्र का खेल है, सो मैं इस पर्वत को उखाड़ लूंगा। सो श्री कृष्ण ने एक ही हाथ से पर्वत को उखाड़ लिया और हंसते हंसते उन्होंने छाया कर दी, और वहाँ तो आधी तूफान बिल्कुल नहीं, पानी बरसा नहीं, सब ग्वाल बाल अपने अपने छकड़ों को लेकर, कोई बड़े बड़े महल नहीं थे, वो छकड़े पर रहते थे, गायों के लिए जहाँ बढ़िया घास हो हरियाली हो वहाँ रहते थे। सो महाराज सब के सब अपने गाय बैल भैंस बकरी वर्णन आगे आया है, सब थे उनके पास, सबको लेकर के और छकड़े सहित उसके नीचे आ गए। उनके बर्तन भाड़े जितने थे सब छकड़े के रूप में थे, छकड़े के ऊपर रहते थे वो। ये जो वृंदावन में दिव्य वृंदावन और दिव्य महल और हीरा और मोती और मणिमय आंगन और सोने के महल, इनका जो वर्णन करते हैं वो ब्रज के वृंदावन का नहीं है, वो भागवत के श्री कृष्णावतार वाले ब्रज का वर्णन नहीं है, वो तो जो नित्य लीला में नित्य वृंदावन है उसका वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण ने पहाड़ उठा लिया तो ब्रजवासी आके उसके नीचे खड़े हो गए और एक साथ श्री कृष्ण का दर्शन किया, एक साथ सबको, सबने कृष्ण को भोजन कराया और एक साथ सबने श्री कृष्ण का दर्शन किया, और माता बहू बेटी बाप पशु पक्षी सब इकट्ठे हो गए और सबकी आंखें खुली की सुली खुली प्रेम से श्री कृष्ण की सराहना कर रहे। 7 दिन तक 7 रात तक श्री कृष्ण ने उस पर्वत को धारण किया और गाय और गोपों के नाश के लिए इंद्र के बादल बरसते रहे, परंतु गोकुल का बाल भी बाका नहीं हुआ। इंद्र का मान जो है वो भंग हो गया। अब उन्होंने अपने बादलों को लौटा लिया, आकाश में अब बादल नहीं रहे। नारायण अब देखा कि गोकुल तो जहाँ का तहाँ स्थान, और ये श्री कृष्ण ने गोवर्धन को बड़े प्रेम से हो जहाँ का तहाँ रख दिया। अब सब लोग आश्चर्य चकित होकर के देखने लगे। ब्रज में तो कहते हैं कि ग्वाल बालों को इतना आश्चर्य हुआ कि 7वें दिन सब श्री कृष्ण को घेर कर खड़े हो गए। अब बोले तुमको बड़ी तकलीफ हो रही है, अकेले पहाड़ उठाए हुए हो। तो कृष्ण हंसने लगे तो बोले भैया भैया तुम लोग भी हमारी मदद करो, तो तुम भी अपनी अपनी लठिया लगा दो। फिर बाद में जब कोई कहता था कि कृष्ण तुमने तो गोवर्धन उठा लिया, तो वो बोलते थे तुमने भी तो लठिया लगाई थी, अकेले मैंने थोड़े ही उठाया था। अपने को श्रेय नहीं लेना चाहिए हो, अकेले को किसी बात का श्रेय नहीं लेना चाहिए। सो नारायण अब जब इस तरह गोवर्धन धारण करके श्री कृष्ण ने गोकुल की गोवर्धन की ब्रज की रक्षा कर दी, तो इंद्र जो हैं वो ऐरावत हाथी पर चढ़ करके और वहाँ आए और देखा कि ग्वाल बालों से घिरे हुए श्री कृष्ण वहाँ हैं। देखा कि अंतरिक्ष में गरुड़ जो हैं वो अपनी पांखों से श्री कृष्ण के ऊपर छाया कर रहे हैं। सो हाथी पर से उतर करके इंद्र एकांत में श्री कृष्ण से मिले और इंद्र ने कहा कि श्री कृष्ण तुम्हारे पास जो मैं आया हूँ तो मैं तुमको पहचानता हूँ, तुम पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रकट हुए हो, सबके आधारभूत परमेश्वर हो नारायण। सो मैंने तो बड़े बड़े बादलों को आज्ञा दे दी थी ब्रज के नाश के लिए, लेकिन तुमने गोवर्धन धारण करके
सबकी रक्षा कर दी, इसलिए तुम तो देवताओं की रक्षा के लिए प्रकट हुए हो और मैं गायों की प्रेरणा से तुम्हारे पास आया हूँ नारायण। और गायों ने कहा कि इंद्र अब तुम श्री कृष्ण को ऊंची पदवी पर अभिषिक्त कर दो। तो जैसे हमारे वामन पहले उपेंद्र पदवी पर थे, वैसे हम तुमको उपेंद्र पदवी पर स्थापित करते हैं और तुम गोविंद रहोगे। इसके बाद नाराज आकाश गंगा का जल मंगा करके इंद्र ने श्री कृष्ण का उपेंद्र पद पर अभिषेक किया और बोले कि ये मैंने गायों की बात मान करके तुम्हारा अभिषेक किया है, सो बात नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम साक्षात परमेश्वर हो। अब मैं तुमसे एक बात कहता हूँ कि मेरा अंश अर्जुन पृथ्वी पर अवतीर्ण हुआ है और वो पृथ्वी का भार उतारने में तुम्हारी मदद करेगा, सो श्री कृष्ण तुम उसकी हमेशा रक्षा करना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्र मुझे मालूम है कि अर्जुन का जन्म हो गया है और वो तुम्हारा अंश है, सो मैं उसकी रक्षा करूंगा। अब देखो इधर कंस है और अरिष्टासुर है, केसी है, कुबलयापीड है, नरकासुर है, बड़े बड़े असुर सृष्टि में पैदा हो गए हैं, सो उनको उनका भार उतारना है। तुम अपने पुत्र अर्जुन के लिए कोई चिंता नहीं करना, मेरे सामने अर्जुन का कोई बाल बांका भी नहीं कर सकेगा। और सारा भार उतारने के बाद महाभारत के बाद हम कुंती को अर्जुन को बिल्कुल अभिक्षत, कहीं बाल भी बांका नहीं, चोट भी नहीं लगी होगी अर्जुन को, और अर्पित कर देंगे। और इसके बाद इंद्र ने श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगाया और वे यहाँ श्री इंद्र की बहुत हेठी नहीं की गई है, वो भागवत में तो इंद्र की बहुत हेठी, बहुत तिरस्कार है। यहाँ तो इंद्र ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे बिल्कुल बराबरी के देवता हों। ये श्रीमद् भागवत से पहले का है, इसमें छोटी छोटी कथाएं हैं और नारायण भागवत में तो बहुत बड़ी बड़ी करके उनका वर्णन किया गया है। कोई कथा इसमें बहुत बड़ी है तो भागवत में वो बहुत छोटी है, और कोई कथा इसमें बहुत छोटी है तो भागवत में बहुत बड़ी है। अब तो श्री कृष्ण बड़े आनंद से ब्रज में रहने लगे। अब एक दिन ग्वाल बाल सब इकट्ठे हुए, ग्वाल इकट्ठे हुए और बोले कि श्री कृष्ण तुमने तो गोवर्धन पर्वत उठा लिया और बड़े भारी भय से तुमने हमारी रक्षा की, ऐसी ऐसी तो तुम बालक क्रीड़ा करते हो। और एक छोटी सी छोटी किस्म के लोग जो हैं, गाय पाल करके जीविका व्यतीत करने वाले, उनमें तुम प्रकट हुए हो, कहाँ तो ये दिव्य कर्म और कहाँ तो ये ग्वाल होना। काली नाग का दमन किया, गोवर्धन धारण किया, हम तुम्हारे पांव छू करके सौगंध दिलाते हैं कि सारा ब्रज तुमसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन तुम हो कौन ये हमको बता दो। देवता हो कि दानव हो कि गलधर्व हो, तो फिर बाद में ग्वाल बाल बोले कि कोई भी हो, इसका विचार करने से क्या फायदा है। किमस्माकं विचारेण बांधवो से नमोस्तुते, हमको ये सोच विचार करके क्या करना है, तुम तो हमारे भाई बंधु हो, हम तुमको नमस्कार करते हैं। सो महाराज श्री कृष्ण बड़ा गुस्सा हुए, तो तुम लोग अपने से बाहर हमको करना चाहते हो कि देवता दानव गंधर्व हो। सो श्री कृष्ण ने जवाब नहीं दिया और प्रणय किंचित प्रणय कोपवान, कुछ प्रेम का गुस्सा कुछ प्रेम का क्रोध किया। अब नारायण श्री कृष्ण ने कहा कि ग्वालो यदि हमारे संबंध से तुमको शर्म आती है तो तुम बताओ हमको क्या करना चाहिए।
और यदि तुम लोग हमारी सराहना करते हो तो सोच विचार करके क्या करना है। यदि तुम्हारा प्रेम है, यदि तुम हमारे काम को पसंद करते हो तो तुम्हें चाहिए कि हमको अपना भाई बंधु समझो। न मैं देवता हूँ, न गंधर्व हूँ, न यक्ष हूँ, न दानव हूँ, मैं हूँ ग्वाला और तुम लोगों का भाई बंधु। बस इसके सिवाय और कुछ तुम लोगों को सोचना नहीं चाहिए। सो महाराज, सब के सब ग्वाल चुप हो गए। अब बोलने की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। देखा कि श्री कृष्ण को तो गुस्सा आ रहा है, गुस्से में जवाब दे रहे हैं। तो महाराज वो तो अपने अपने काम से चले गए। और इधर श्री कृष्ण ने देखा कि शरद ऋतु है, आकाश निर्मल है और कुमुदनी खिली हुई हैं और वन फूले हुए हैं। सो उन्होंने गोपियों के साथ रासक क्रीड़ा करने का विचार किया। वो बलराम जी को लेकर के नहीं जाते थे और बांसुरी बजाते थे श्री कृष्ण, बड़ी सुंदर बड़ी मधुर। उस रमणीय गीत ध्वनि को सुन करके गोपियां अपने घरों से चटपट झटपट निकल आती थीं। जहां श्री कृष्ण रहते वहां आ जाते। कोई कोई गोपी श्री कृष्ण के लय में लय, स्वर में स्वर मिलाकर गाने लगती और कोई उसको सुनने लगती। और कोई गोपी कृष्ण 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 लज्जा छोड़कर उनका नाम लेने लगती और कोई गोपी प्रेमांध होकर उनके बगल में जाकर खड़ी हो जाती और कोई अपने घर से निकलना चाहती लेकिन देखती कि बड़े बूढ़े दरवाजे पर खड़े हैं। सो वो आंख बंद करके श्री कृष्ण का ध्यान करने लगती। इस प्रकार श्री कृष्ण का ध्यान करने से इतना आनंद गोपी को होता कि जो जन्म जन्म के उसके पुण्य थे और जिन पुण्यों से उनको सुख मिलता, अब वो पुण्य ही सब के सब समाप्त हो जाते और नारायण भगवान के न मिलने का इतना प्रबल दुख होता कि उनके जो जिन पापों के कारण दुख मिलने वाले थे वे सब के सब पाप ही क्षीण हो जाते और इस प्रकार पाप पुण्य दोनों का संस्कार छूट जाने पर वे जिनको पुण्य का संस्कार होता है बाहर की सेवा करने का, वे लोग भी परमात्मा का चिंतन नहीं कर सकते, बाहर का ही चिंतन करते हैं। और जिनको पाप का संस्कार होता है तो वे लोग भी अपने दुश्मनों के और अपने दुखों के चिंतन में लगे रहते हैं। और जो लोग दोनों प्रकार के संस्कारों से मुक्त हो जाते हैं वो परब्रह्म जगत कारण परमात्मा का नारायण चिंतन करते हैं। गोपी ने परमात्मा का चिंतन किया और उसकी सांस चलना भी बंद हो गया और वो मुक्ति को प्राप्त हो गई। गोपियों से घिर करके भगवान शरद ऋतु की चांदनी में और रास करते और गोपियां झुंड के झुंड आ करके श्री कृष्ण की चेष्टा में मग्न हो जाते हैं। यदि श्री कृष्ण कभी उनकी आंखों से ओझल हो जाते तब वे व्याकुल हो जाती और कहने लगती, इतनी तन्मय हो जाती, कहने लगती मैं ही कृष्ण हूँ, देखो मैं कितना सुंदर चलता हूँ। कोई कहती मैं कृष्ण हूँ मेरा गान सुन लो। कोई कहती अरे कालीनाथ तू यहाँ से भाग जा मैं स्वयं कृष्ण हूँ। कोई कहती निशंक रहो मैं तुम लोगों की सब की रक्षा करूंगा, मैं गोवर्धन धारण करूंगा। इस तरह से श्री कृष्ण की लीला का चिंतन उनको होता और उसी में तन्मय हो जाती। कोई कहती कि ये देखो धरती श्री कृष्ण के चरणों के स्पर्श से पुलकित हो रही है। कोई कहती ये देखो उनके चरणों का चिन्ह है, देखो उनके साथ कोई गोपी गई है। कोई ऐसे कहने लगती
कोई ये कहती कि देखो उसके लिए श्री कृष्ण ने यहाँ पुष्प चयन किया है और यहाँ उसका श्रृंगार किया है, उसकी चोटी बनाई है, ऐसे उनको महाराज गोपियों को श्री कृष्ण की तन्मयता में जैसी तन्मयता होती, कहीं मैं के रूप में कृष्ण का अनुभव करते, कहीं यह के रूप में कृष्ण का अनुभव करते, कभी की हुई लीला के रूप में श्री कृष्ण का अनुभव करते। इस प्रकार महाराज यहाँ जोर से चले हैं, देखो कि यहाँ लौट के आए हैं किसी गोपी के पास और यहाँ उसको सहारा दे करके आगे किया है, कोई देखो छूने में किसी को छू दिया है और छोड़ दिया है तो उसका अपमान कर दिया है। इस प्रकार गोपियां जो हैं, यहाँ देखो श्री कृष्ण बड़े गहन वन में प्रवेश कर गए हैं, देखो इधर चंद्रमा की किरण नहीं है, अब लौट चलो, और वे निराश होकर के श्री कृष्ण के दर्शन में जमुना के किनारे आ जाते और श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करने लगती और देखती कि वो श्री कृष्ण, गोपी गीत नहीं है इसमें, वो श्री कृष्ण आ रहे हैं और गोप कृष्ण के अंतर्धान की लीला भी जैसी भागवत में है वैसी इसमें नहीं है। अब श्री कृष्ण को आते देख करके महाराज किसी किसी को बड़ा भारी आनंद हुआ, वो कृष्ण 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 बोलने लगी, किसी ने अपनी भौहें टेढ़ी कर ली, ललाट टेढ़ी कर टेढ़ा कर लिया और दूर ही खड़ी होकर के उनके मुख कमल का जो रस है वो पीने लगी। किसी ने देखा वो कृष्ण आ रहे हैं तो आंख बंद करके वो कृष्ण के रूप का ध्यान करने लगी, जैसे कोई जोगिनी होए और कष्ट कोई कोई जो है वो अपनी भौं टेढ़ी करके और प्रेम भरी चितवन से उनका स्पर्श करने लगी, किसी ने हाथ पकड़ लिया। इस प्रकार गोपियों ने बड़ा बड़ा प्रेम किया कृष्ण के साथ और कृष्ण उदार चरित्र उनके साथ लीला करने लगे, रास मंडल का बंधन हुआ, कोई गोपी कृष्ण के पार्श्व को न छोड़े हो और ऐसे चलते थे श्री कृष्ण, ऐसा नृत्य करते थे कि सब गोपियों को मालूम पड़े कि बिल्कुल हमारे पास हैं। हजारों गोपी परंतु श्री कृष्ण के नृत्य में इतनी फुर्ती, इसको हल्लीशक नृत्य कहते हैं, जहाँ अनेक नटियों के साथ एक नट नृत्य करता है और वो इतनी फुर्ती से नृत्य करता है कि सब नर्तकी सब नटी ये अनुभव करें कि वो हमारे साथ नृत्य कर रहा है। कभी नारायण किसी का हाथ पकड़ लेते तो प्रेम के कारण उसकी आंखें बंद हो जाती। शरद ऋतु में जितनी क्रीड़ा करने का वर्णन शास्त्र में आया है सब श्री कृष्ण ने उनके साथ किया। कृष्ण के संगीत में शरद ऋतु का वर्णन, चंद्रमा का वर्णन करते और चांदनी का वर्णन करते, कुई खिली हुई थी उनका वर्णन करते और गोपियां बारंबार कृष्ण 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 का वर्णन करते। कोई श्री कृष्ण के कंधे पर हाथ रख करके खड़ी हो जाती, कोई उनको चूम लेती, कोई उनके गान गाती नारायण, और कोई उनके भुजाओं को पकड़ लेती, उसके शरीर में रोमांच हो जाता और श्री कृष्ण रास लीला के जो संगीत हैं उनका गान करते, कृष्ण कृष्ण की ध्वनि से गोपियां उनको भरपूर कर देती। और कभी श्री कृष्ण के पीछे चलती हुई गोपियां नृत्य करती तो कभी श्री कृष्ण गोपियों की ओर चलते और इस प्रकार गतानुगति के द्वारा रास लीला होने लगी। प्रतिलोम अनुलोम बड़ी बड़ी सुंदर बड़ी मधुर बड़ी संपूर्ण रास लीला हुई, जिसको देख करके सुन करके स्मरण करके लोग मुग्ध हो जाते हैं। एक एक क्षण महाराज नारद जी श्री कृष्ण के बिना एक एक क्षण करोड़ करोड़ वर्ष के समान बीतता था, परंतु श्री कृष्ण के मिल जाने पर गोपियों के लिए करोड़ों कल्प भी
क्षण के समान मालूम पड़े। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ विहार करते थे। घर के लोग उनको रोकते भी थे। ताबार्जमाना पति भी ही पितृभिर भ्रातृभिस तथा पति पिता भाई गोपियों को रोकते, परंतु श्री कृष्ण के प्रति, उस परम पति श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम गोपियों के हृदय में कि वे उनके साथ जाकर रास लीला करती थीं। सोप कई सोरक भयो मानयन मधुसूदनहा रेमे ताभिरमे आत्मा क्षपासु क्षपिता हितहा। श्री कृष्ण ने अपने शरीर में बाल्यावस्था नहीं किशोरावस्था प्रकट कर ली लीला के समय, और उसका आदर करने के लिए उनके साथ क्रीड़ा करने लगे। देखो ये श्री कृष्ण गोपियों के पति के शरीर में भी हैं, गोपियों में भी हैं, संपूर्ण प्राणियों में भी हैं, ये सबके आत्मा हैं, ये जैसे सबके शरीर में सांस रहती है इस प्रकार सबके शरीर में सांस की तरह आत्मा के रूप में रहते हैं, और जैसे संपूर्ण प्राणियों में रहते हैं वैसे आकाश अग्नि पृथ्वी जल वायु इनके रूप में भी रहते हैं। इसलिए इनके साथ जो क्रीड़ा है उस क्रीड़ा में किसी प्रकार का दोष नहीं देखना चाहिए। तद भर्तृषु तथा तासु सर्वभूतेषु चेश्वरः आत्मस्वरूप रूपोऽसौ व्यापी वायुरिवस्थितः यथा समस्त भूतेषु नभोग्नि पृथ्वी जलम वायुश्चात्मा तथैवासौ व्याप्य सर्वम अवस्थितः। ये जो श्री कृष्ण की रास लीला का वर्णन है वो सर्वव्यापी प्रभु की ही लीला का वर्णन है, इसलिए श्री कृष्ण में किसी प्रकार का दोष नहीं देखना चाहिए। सो एक दिन महाराज सायंकाल श्री कृष्ण तो गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे। सो उसी बीच में वृषभासुर आया। ये धर्म के नाम पर, धर्म और धर्म को ही वृषभ कहते हैं, वृषभ माने बैल, ये धर्म की मूर्ति है। तो ये बात हुई कि ये श्री कृष्ण की जो लीला है वो धर्म विरुद्ध है। तो जो श्री कृष्ण विरोधी या भक्ति विरोधी क्रिया होती है उसमें असुर का समावेश होता है, इसलिए वृषभ में असुर का समावेश हो गया। श्री कृष्ण भक्ति श्री कृष्ण लीला श्री कृष्ण रूप का विरोधी जो धर्म है वो सच्चा धर्म नहीं है। अब महाराज वो जो सायंकाल आया ब्रज में, सो गोप गोप की स्त्रियां सब कृष्ण कृष्ण कहन कह करके पुकारने लगी, और वो जो है बड़े जोर से गरजने लगा। वो वृषभासुर जो है हकड़े अखाड़े पांव से धूल उछाले और सींग से घर गिरावे गिरावे, इस तरह महाराज वो तो बड़ा उपद्रव वहां करने लगा। सो भगवान श्री कृष्ण ने आकर के उसके दोनों सींग पकड़ के और तोड़ लिए, और नारायण उसको पीट करके एक सींग उखाड़ करके उसको बहुत पीटा और वहीं वो नष्ट हो गया। अब तो ग्वाल बाल सब श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। नारायण इस तरह जैसे जम्भासुर के मरने पर पहले स्वर्ग में लोग इंद्र की स्तुति करते थे, वैसे इस वृषभासुर के मरने पर गोप लोग जो हैं वो श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। अब इस प्रकार इन असुरों के मरने पर श्री कृष्ण का जब पौरुष प्रकट होने लगा तो नारद जी महाराज कंस के पास पहुंच गए, और वहां जाकर के उन्होंने बताया, क्योंकि वो चाहते थे कि कंस जितना ज्यादा कृष्ण से डरेगा और जितना ज्यादा उनसे द्वेष करेगा। कंस डर के कृष्ण का स्मरण करता है और शिशुपाल द्वेष से श्री कृष्ण का स्मरण करता है। ये कहते हैं किस निमित्त से स्मरण किया इसकी ओर देखने की जरूरत नहीं है, सब मिला करके स्मरण तो कृष्ण का ही हुआ ना, कृष्ण का ही आकार जो बुद्धि में बना,
चित्त में जो सकल बनी वो तो कृष्ण की ही बनी ना, तो जब कृष्ण की सकल बनी तो उनको कृष्ण की ही प्राप्ति होगी। तो कंस को डराने के लिए और उसकी वृत्ति को जल्दी कृष्णाकार करने के लिए और ये जल्दी श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाए इसके लिए उसकी भय भक्ति भय भावना बढ़ाने के लिए नारद जी महाराज पहुंच गए और बोले कैसे कैसे जसोदा और देवकी में ये बच्चों का परिवर्तन हुआ। अब ये तो सुन करके कंस को बड़ा भारी क्रोध आया और उसने कहा ये सब जदुवंशी हमारे दुश्मन हैं, सो अब मैं बचपन में ही बलराम कृष्ण को नष्ट कर डालूंगा और उनको जवान होने ही नहीं दूंगा, सो उनको मैं कल बुलवाता हूँ और यहाँ धनुष जाग होगा। सो उसने अक्रूर जी को बुलाया, ये निश्चय किया कि अक्रूर जी को भेज करके वृंदावन से श्री कृष्ण को बुलवा लिया जाए और यहाँ आने पर कुबलया पीठ हाथी है, मुष्टिक चाड़ूर हैं और बड़े बड़े पहलवान हैं, उनसे मैं नष्ट करवा दूंगा। ऐसा सोच करके कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और बोला कि देखो तुम रथ पर चढ़ करके नंद बाबा के गोकुल में चले जाओ, हमने सुना है कि देवताओं ने षड्यंत्र करके हमारे मारने के लिए विष्णु को कृष्ण के रूप में भेजा है, सो यहाँ तुम उनको ले आओ और हम अपने जो बड़े बड़े वीर पहलवान हैं कुबलया पीठ हाथी है उनसे उनको नष्ट कर दूंगा, वसुदेव को नंद गोप को पिता उग्रसेन को और फिर सारी गायों को तथा समस्त गोपानाम गोधनानी अखिलान्य हम उनके पास ग्वालों के पास जितने गोधन हैं सबको नष्ट कर दूंगा छीन लूंगा, वो हमको मारना चाहते हैं, तुम्हारे सिवाय हमसे सच्ची मित्रता करने वाला नहीं है, ये जब हमारा राज्य निष्कंटक हो जाएगा तो हम राजा और तुम राजा, हम और तुम दो ही मिलकर के राज्य करेंगे, सो जा करके वहाँ कहो कि भैंस का घी और भैंस की दही जो उनके यहाँ इकट्ठा हो जथाच माई समसर पर दधिचाप उपहार जबई गोपा समान यंत्वासु तथा वाच्यास्त्वया चते, जा करके उनसे कहना कि सब उपहार की सामग्री लेकर के आवे, हमारे यहाँ यज्ञ हो रहा है और ये सब जो बात हमने तुमको बताई है वो उनको मत बताना। नारायण कंस की बात मान करके श्री कृष्ण श्री अक्रूर जी जो हैं वो रथ पर सवेरे के समय चढ़े और नंद बाबा के स्थान पर जाने के लिए निकल पड़े। इधर कंस की प्रेरणा से केसी जो है वो वृंदावन में आया घोड़े के रूप में, ऐसा हिनहिनाता था महाराज कि उसकी हिनहिनाहट से सबके सब ग्वाल बाल गौएं डर गए और वो श्री कृष्ण की शरण में गए। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम लोग इस असुर से डरो मत, इसमें तो कोई बल नहीं है, अभी मैं इसको मार डालता हूँ। सो श्री कृष्ण उस केसी घोड़े के सामने आकर के खड़े हो गए और नारायण ताल ठोंकने लगे और उसके मुंह में श्री कृष्ण ने अपनी बाह घुसेड़ दी, अब उसके सारे दांत टूट गए, मुंह की हवा बंद हो गई, पेट फूल गया और वो महाराज उसकी आंखें उलट गईं और वो विष्ठामूत्र करता हुआ और धरती पर गिर पड़ा और नारायण दो टुकड़े उसके मुंह को फाड़ करके श्री कृष्ण ने उसके दो टुकड़े कर दिए। अब ग्वाल बालों के साथ आनंद मनाने लगे। सो ग्वाल बालों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इसी बीच में नारद जी आए और नारद जी आकाश में बादल के आड़ में खड़े हो गए और उन्होंने श्री कृष्ण का अभिनंदन किया, साधु साधु जगन्नाथ लीले व जगच्युत, बड़ी बढ़िया बात है श्री कृष्ण कि तुमने खेल खेल में ये देवताओं को क्लेश देने वाले केसी को मार दिया। नारायण
सो मैं तुम्हारी लीला देखने के लिए ही स्वर्ग से यहाँ आया हूँ और तुम्हारी लीला देखता रहता हूँ। ये जो घोड़ा था केसी, इससे तो इंद्रादि देवता भी डरते थे। ये सो इसको तुमने मार दिया, तुम्हारा कल्याण हो। अब परसों मैं देखूंगा कि मथुरा में तुम कंस को कैसे मारते हो। नारायण, सो देवताओं का बड़ा भारी काम तुमने कर दिया, अब मैं जाता हूँ। जब नारद जी चले गए तो भगवान श्री कृष्ण गोपों के साथ ब्रज में फिर गोकुल में प्रविष्ट हुए। गोपी नेत्र पानैक भाजनम, गोपियों की आंख के प्याले वही हैं, वह उन्हीं से वो रस पान करती हैं। सो नारायण, अक्रूर जी जब वहाँ से चले, चंदने नासु कामिना, बड़ा तेज उनका रस था। अक्रूरोपी विनिष्क्रम्य चंदने नासु गामिना, श्री कृष्ण के दर्शन की उनके मन में बड़ी प्रबल आकांक्षा थी और बोले कि देखो, मेरे समान धन्य दुनिया में और कोई नहीं है। जिसको आज श्री कृष्ण का दर्शन होगा, आज उनके मुखारविंद को मैं देखूंगा, आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज हमारी रात अच्छी बीती, हमारा प्रभात बहुत बढ़िया हुआ कि खिले हुए कमल के समान श्री कृष्ण के मुखारविंद का मैं आज दर्शन करूंगा। जिनकी संकल्पमय स्मरण मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उन कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद का मैं दर्शन करूंगा। जिसमें से वेद निकले हैं, वेदांत निकले हैं, जो संपूर्ण ज्योतियों का ज्योति है श्री कृष्ण के, मैं उस मुखारविंद का दर्शन करूंगा। यज्ञों में जिनकी आराधना होती है, जिनकी आराधना से इंद्र हुए हैं, ब्रह्मा इंद्र रुद्र अश्विनी कुमार वसु आदित्य मरुदगण, जिनके स्वरूप को नहीं जानते हैं, वे प्रभु आज हमारी आंखों के सामने प्रकट होंगे। जो सर्वात्मा सर्वविद सर्वभूतों में अवस्थित हैं, जो अचिंत्य अव्यय व्यापी हैं, वे भगवान हमारे साथ बातचीत करेंगे। मत्स्य कूर्म बराह अश्व सिंह आदि के रूप में जो प्रकट होते हैं, वे आज हमसे बात करेंगे। वे जगत के स्वामी जो सबके हृदय में स्थित हैं, वे मनुष्य के रूप में आए हैं, आज मैं उनका दर्शन करूंगा। जो श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे अक्रूर, शास्त्र में ऐसा लिखा है कि मथुरा से चल के और गोकुल तक पहुंचने में अक्रूर के चित्त की स्थिति जैसी हुई, वैसी यदि मनुष्य के चित्त की स्थिति हो जाए तो संसार के सारे बंधन उसके टूट जाएंगे और वो परमात्मा के प्रेम में मग्न हो जाएगा। वो समय कब होगा? जब श्री कृष्ण मुझे अक्रूर कह करके बुलावेंगे, देखो दुनिया माया में फंसी है, ये मेरा, बिना उनकी कृपा के, बिना उनके चिंतन स्मरण के, एक को पकड़ोगे तब दूसरा छूटेगा। एक को पकड़ के जैसे कोई बहा जा रहा हो नदी में और वो उसको पकड़ने के लिए कोई सहारा मिल जाए और उस सहारे को पकड़ करके वो नदी से पार हो जाए, इसी प्रकार संसार सागर से मन को निकालने के लिए किसी सहारा की जरूरत है। सो उन्हीं का आश्रय लेकर के मनुष्य इस माया से पार होता है। तरत्य विद्याम विततां हृदि जस्मिन् निवेशिते जोग मायाम अमेयायो तस्मै विद्यात्मने नमः। श्री कृष्ण ब्रह्म विद्या स्वरूप है नारायण, और जब उनको हृदय में बैठा लिया जाता है तो दोनों तरह की माया, जो अविद्या माया संसार में फंसाने वाली है और जो जोग माया साधनों में फंसाने वाली है, दोनों से मनुष्य पार हो जाता है। वे अप्रमेय हैं, उन विद्या स्वरूप प्रभु को हम नमस्कार करते हैं। नारायण, जागिक लोग श्री कृष्ण को यज्ञ पुरुष कहते हैं
और सात्वत जो हैं पंचरात्र मानने वाले वैष्णव लोग श्री कृष्ण को वासुदेव कहते हैं, वेदांती लोग श्री कृष्ण को विष्णु कहते हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। उनका नाम कुछ भी हो नारायण, उन्हीं में ये संपूर्ण विश्व सृष्टि है, वे ही सबके अधिष्ठान हैं। सत्य भी उसी में और असत्य भी उसी में, इसलिए वे प्रभु इस सत्य, ये सत्य है कि परमात्मा के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है, इसलिए इस सत्य की शपथ खाकर सौगंध खा करके कहता हूँ, उनके सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। स्मृते सकल कल्याण भाजनम यत्र जायते पुरुषः तमजम नित्यम ब्रजामि शरणम हरिम। जिनका स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य के सारे दुख दूर हो जाते हैं, मनुष्य के सारे दुख दूर हो जाते हैं। एक बार स्मरण करो जमुना जी का तट, बंसी बट है ना, बंसी बट के निकट मुरली मनोहर पीतांबर धारी श्याम सुंदर मंद मंद मुस्कुराते हुए पीतांबर फहराते हुए तुमको अपने हृदय से लगाने के लिए दोनों हाथ फैलाए हुए तब वो बड़े प्रेम से तुमको बुला रहे हैं और तुम उनकी ओर बढ़ रहे हो। जितनी देर तुम्हें भगवान का स्मरण रहेगा उतनी देर तक संसार का कोई दुख तुम्हें नहीं होगा। एक मिनट स्मरण करो तो एक मिनट दुख नहीं होगा, और पांच मिनट स्मरण करो तो पांच मिनट नहीं होगा। जितना अधिक भगवान का स्मरण करो संसार का दुख उतना ही निवृत्त हो जाएगा, फिर तो स्मरण का स्वभाव बन जाएगा और संसार का दुख जीवन में बिल्कुल प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार महाराज विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए अक्रूर जी गोकुल में प्राप्त हुए। बड़ी देर हो गई, रास्ते में सूर्योदय के समय निकले थे, सूर्यास्त होते होते सूर्यास्त से किंचित पहले वहाँ पहुँचे और वहाँ देखा उन्होंने कि जहाँ गौएं दुही जाती हैं वहाँ श्री कृष्ण बछड़ों के बीच में खड़े हैं, खिले हुए नील कमल के समान उनकी अंग कांति है, खिले हुए कमल न कमल के समान उनके नेत्र हैं, उनके वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह है, लंबी लंबी बाहें हैं और चौड़ी और उभरी हुई छाती है, नाकें ऊंची हैं और विलास के साथ मुस्करा रहे हैं, और नारायण उनके लाल लाल नख ऊंचे हैं और धरती पर खड़े हैं, पीतांबर धारण किए हुए हैं नारायण, और बलराम जी जो हैं वो गौर वर्ण हैं और नीलांबर धारण किए हुए हैं और ऊंचे हैं। सो दोनों को देख करके अक्रूर का हृदय आनंद से भर गया, उनके शरीर में रोमांच हो गया। अरे ये वही परम धाम है, अरे ये वही परम पद है, ये वही भगवान वासुदेव हैं जो श्री कृष्ण बलराम के रूप में प्रकट हुए हैं, आज मेरी आंखें सफल हो गईं उनका दर्शन करके। नारायण आज ये हमको अपने हृदय से लगा लेंगे, हमारे पीठ पर अपना कर कमल रखेंगे, आज इनकी अंगुलियों का स्पर्श हमको प्राप्त होगा, जो सूर्य चंद्रमा आदि ग्रहों के उत्पादक हैं आज उनको हम देखेंगे। नारायण इन्हीं के चरणों को धो करके बलि ने अपने को पवित्र किया था और नारायण उन्हें सब कुछ प्राप्त हो गया था। सो यद्यपि कंस ने मुझे अपना माना है और मैं कंस का अपना होने के कारण दोषास्पद हूँ, फिर भी मेरे हृदय में कोई किसी प्रकार का दोष नहीं है। हम सच्चे हृदय से श्री कृष्ण की शरण में चल रहे हैं। उस जन्म को धिक्कार है जिसका आदर साधु लोग नहीं करते हैं। ये श्री कृष्ण ज्ञानात्मक हैं, अमल सत्व राशि हैं, इनमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, ये सदा प्रकाश, जब ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है, ये बात समझ में आ जाती है। तब ये बात भी समझ में आ जाती है कि ब्रह्म ही सब है और तब श्री कृष्ण ब्रह्म है, किसी प्रकार की शंका होती ही नहीं है। सो नारायण
सबके हृदय में अज्ञात रूप से आत्मा के रूप में यही श्री कृष्ण रहते हैं। इसलिए भक्ति विनम्र चित्त होकर के ईश्वरों के भी सर्वेश्वर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। दर्शन करते ही अक्रूर के हृदय में शरणागति का उदय हो गया। अब इसके बाद का प्रसंग आपको तो